और यार सब कुछ ठीक है ना? तो आप लोग को तो पता ही होगा कि एक्सट्रैक्शन मूवी रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर, और बहुत ही शानदार मूवी है, बहुत ही कमाल की मूवी है। एक बार देखो अगर तुम लोग एक्शन मूवीज के दीवाने हो तो, अगर तुम लोग एक्शन मूवीज के दीवाने हो तब तो ये मूवी तुम लोग के लिए संजीवनी बूटी है। तो मैंने इस मूवी पर भी एक रिव्यू बना चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना, इसका लिंक मिल जाएगा तुम लोग को। तो बात करें आज के वीडियो की, तो आज का हमारा वीडियो बेस्ड है एक्सट्रैक्शन मूवी के एंडिंग पर। अब देखो अगर तुम लोगों ने एक्सट्रैक्शन मूवी नहीं देखी है तब तो शायद तुम लोगों को ज्यादा पता होगा नहीं इस टॉपिक के बारे में, लेकिन अगर एक्सट्रैक्शन मूवी देख ली है तब तो देखो ये पूरा वीडियो। तो बिना किसी देरी की ये बात करते हैं एक्सट्रैक्शन मूवी के एंडिंग की। तो आप लोग को स्टोरी तो पता ही होगी थोड़ी बहुत एक्सट्रैक्शन मूवी की, कि क्रिस हेम्सवर्थ को हायर किया जाता है एक बच्चे को बचाने के लिए बांग्लादेशी माफिया से, और वो अपने रेस्क्यू मिशन पर निकल पड़ते हैं बांग्लादेश के लिए, और जो रास्ते में उनके साथ फाइट सीन्स होते हैं, कमाल के फाइट सीन्स होते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक में, यानी जब तक फाइट चल रही होती तब तक क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि हमारे थॉर भैया और ओबी महाजन जूनियर यानी कि उस बच्चे में एक बहुत ही अलग टाइप की बॉन्डिंग बन जाती है, जैसे कि फादर और सन की होती है, और बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग बन जाती है। ऐसा हम लोग को तब क्लियर होता है जब क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि हमारे थॉर भैया डिसाइड कर लेते हैं कि वो खुद की जान पर खेलकर उस बच्चे की जान बचाएंगे। अब क्योंकि थॉर भैया ने भी अपने बेटे को खो चुका है पास्ट में, इसलिए उनके अंदर ये इमोशन है कि अब वो किसी भी बच्चे को खोना नहीं चाहते उनकी वजह से। तो लास्ट में फाइट करते करते थॉर भैया पहुंच जाते हैं एक ब्रिज पर उस बच्चे को बचाने के लिए, और उस ब्रिज पे जो फाइट सीन्स होते हैं लाजवाब। लेकिन फिर उस कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जहाँ पर थॉर भैया सबको मार रहे होते हैं वहीं पर उनको यहाँ पर गोली लग जाती है, यहाँ पर यानी कि गले पर, और वो गोली कौन मारता है? तो वो गोली मारता है उनको एक और बच्चा, वही बच्चा नहीं जिसको रेस्क्यू करने जा रहे थे, वो बच्चा नहीं, उसको तो रेस्क्यू करना था, एक और बच्चा रहता है बांग्लादेशी माफिया के पास, लेकिन वो माफिया का हिस्सा होता है यानी कि 16-17 साल का होगा, गन लिया हुआ था, वो भी मारने को तैयार था क्रिस हेम्सवर्थ को। हालांकि पहले फाइट सीन में क्रिस हेम्सवर्थ ने उसे बच्चा समझ के छोड़ दिया था, लेकिन बच्चे कहाँ समझने वाले, उस बच्चे ने तो गोली मार दी उनको यहाँ पर। और गोली खाने के बाद हमारे क्रिस हेम्सवर्थ बहुत ही जख्मी थे और वो गिर गए ब्रिज से नीचे यानी कि पानी में। तो पानी में गिर गए, वहां पर शॉट क्लियर हो गया। फिर आया हम लोग के पास एक नया शॉट, जहाँ पर ओबी महाजन जूनियर को अच्छे से रेस्क्यू कर लिया गया था उसकी टीम द्वारा, और वापस चला गया था वो इंडिया। अगले सीन में हमें पता चलता है निक खान जो कि हमारे थॉर भैया की टीम की मेंबर थी, वो मार देती है आमिर आसिफ को, जो कि इस मूवी के मेन विलन है, ड्रग डीलर है, बांग्लादेशी माफिया के हेड है। अब इसका रीजन तो पता ही होगा क्योंकि उनको तो बदला लेना था अपने थॉर भैया की मौत का। और जस्ट उस सीन के बाद आता है एक नया सीन, जहाँ पर 8 महीने बाद ओबी महाजन जूनियर यानी कि वो बच्चा जिसे रेस्क्यू कर रहे थे हमारे थॉर भैया, वो दिखता है अपने घर के एक स्विमिंग पूल में बैठे हुए, स्विमिंग पूल के अंदर पानी के अंदर बैठे हुए, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे थॉर भैया शुरुआत में एकदम मूवी के शुरुआत में बैठे हुए थे पानी के नीचे। और जब वो भी महाजन अब स्विमिंग पूल से बाहर आता है तब उसे दिखती है ब्लर्ड इमेज, और मोस्ट प्रोबेबली वो इंसान रहता है हमारे थॉर भैया यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या क्रिस हेम्सवर्थ जिंदा है? क्या एक्सट्रैक्शन मूवी का सेकंड सीजन बनेगा अब? तो अगर बात करें कि थॉर भैया जिंदा है कि नहीं, क्योंकि मूवी के एकदम स्टार्टिंग में हमें बता दिया गया था कि थॉर जो है यानी कि हमारे क्रिस हेम्सवर्थ बहुत देर तक पानी के नीचे सांस ले सकते हैं। सांस कैसे लेंगे पानी के अंदर? पानी के नीचे सांस नहीं ले सकते, पानी के नीचे सांस रोक सकते हैं बहुत टाइम तक। तो अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब वो पानी में गिरे थे एकदम लास्ट सीन में ब्रिज से, तो वो शायद अपनी सांस रोक लिए होंगे पानी के अंदर और किसी तरह बाहर आ गए होंगे पानी से। और क्योंकि उन दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी उस बच्चे और क्रिस हेम्सवर्थ में, तो शायद वो मिलने आए हो फिर से उससे। लेकिन भाई यहाँ गोली लगी थी गले पर, बहुत ही सीरियस मामला था, तो कहाँ जिंदा बचने चाहिए? लॉजिकली तो नहीं बचने चाहिए जिंदा। तो अब दूसरी थियरी की बात करें तो दूसरी थियरी ये हो सकती है कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है ओबी महाजन जूनियर की, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी, इसलिए शायद वो इमेजिन कर रहा हो कि क्रिस हेम्सवर्थ उनके सामने उसके सामने है। और वैसे भी इस मूवी का मेन विलन यानी कि आमिर आसिफ तो मर ही चुका है, तो फिर क्यों बनाएंगे इसका सीजन सेकंड यानी कि पार्ट सेकंड। लेकिन अब बात करें इसके दूसरे नजरिए की, अगर इसको दूसरे नजरिए से देखा जाए तो जब इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि सैम हारग्रीव से पूछा गया कि इसकी एंडिंग ऐसे क्यों दिखाई गई और क्या इसका सीक्वल सेकंड आएगा पार्ट सेकंड आएगा, तब उन्होंने बताया कि इसका एंडिंग सीन जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि लोगों में एक्साइटमेंट बनी रहे। और फिर जब पूछा गया उनसे कि क्या इसका पार्ट सेकंड बनेगा, तब उन्होंने बोला कि अभी तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी ज्यादा है नहीं कि इसका पार्ट सेकंड बने, लेकिन ये डिपेंड करता है ऑडियंस के रिएक्शन से। अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा है इस मूवी से रिलेटेड तो इसका पार्ट सेकंड बनाने की खोज जारी रहेगी। और वैसे भी इस मूवी में कुछ
प्लॉट्स बचे थे अभी, जैसे पंकज त्रिपाठी का जो कैमियो था उसके बाद उनके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया, तो ऐसा हो सकता है कि पार्ट सेकंड में उनके बारे में कुछ अच्छे से डिटेल में बताया जाए। और वैसे भी एक्सट्रैक्शन मूवी में इमोशंस की थोड़ी कमी थी क्योंकि ज्यादा फोकस एक्शन मूवी पर था, क्योंकि ये एक्शन मूवी से रिलेटेड है ना। तो अगर इसका सेकंड सीजन बनता है तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ उससे कि सेकंड सीजन में यानी कि सेकंड पार्ट में इसके कुछ ज्यादा इमोशंस आए। तो ऑल ओवर ये तो अभी बताया नहीं जा सकता कि इसका सेकंड पार्ट आएगा कि नहीं, लेकिन अगर सीजन इसके पार्ट वन यानी कि एक्सट्रैक्शन मूवी की बात करें तो बहुत ही शानदार मूवी है। तो देखो अब कुछ नई खबर आती है इसके बारे में तो बताता हूँ। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आता है इस वीडियो पर एक लाइक ठोको, शेयर बटन पे क्लिक करो और जहां शेयर करना है वहां करो, शेयर करना सिर्फ। और फिर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो वो घंटी बजा देना। और हमें इंस्टाग्राम ट्विटर टिकटॉक पर फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि हम हर जगह है।